अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टाटा प्ले में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टाटा प्ले के अनबॉक्सिंग। नया डिश सैटेलाइट फिट करना है, इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या सामान आते हैं वो हम आपको वीडियो को थ्रू बताएंगे। वीडियो पे ये आप देख सकते हैं, रिमोट, अडाप्टर, HDMI केबल और फाइनली HDMI केबल हम निकाल रहे हैं। वीडियो बन ये देख सकते हैं आप, ये पूरा सेट रहता देखिए, रिमोट आ गया, अरे पावर अडाप्टर, HDMI केबल, ये सेट है। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम टीवी में आ रहे हैं आपके पास, ये HDMI केबल खोल लेके और टीवी में सेट करके हम आपको बताएंगे। वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों अपन HDMI निकाल लेंगे कवर में से और टीवी में फाइनली हम लगाएंगे। लगा के आपको पूरा सेट करके हम आपको बताएंगे वीडियो पे। तब तक आप चैनल को लाइक नहीं करें तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, ध्यान रहे कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बोलिए ज़रूर। तो सबसे पहले देखिए अपन साइड में HDMI पे वायर HDMI केबल लगा देना। तो बाजू ले लेंगे, सेटअप बॉक्स का हम स्टैंड भी लगा हुआ था। तो फाइनली हम कवर में से बॉक्स सेटअप बॉक्स निकाल के पीछे HDMI पे सेटअप बॉक्स को लगा दे रहे हैं अपन। अरे पावर 12 वाट का अडाप्टर रहता, पावर में लगा देंगे, आपको सेटअप बॉक्स में लगा देना है। तब ये रिमोट की बारी आती, रिमोट के साथ दो बैटरीज आते हैं अपने को। तो पीछे का ढक्कन निकाल के हम बैटरीज डाल रहे हैं। वीडियो पे बने रहिए और हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए आप। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फाइनली हम ये एंटीना के ले लेंगे। एसेसरीज की पैकेट फाड़ के आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या सामान टाटा प्ले देता पैकेट के साथ। तो हम पैकेट फाड़ लेंगे दोस्तों, उसको हम आपको बताएंगे आपको। और हमारे भाई फोन जरा ये स्क्रॉन की पैकेट है देखिए, स्क्रू की पैकेट में 3 बोल्ट्स रहते, वो 3 बोल्ट्स हम पहले फिट कर लेंगे, इसको लगा लेंगे। तो भाई बोले फेस सही नहीं आ रहा हमारा, तो हम वो साइड चले गए। वीडियो में बने रहिए आप। ये हेड अप्टर होल्डर है ये अपना, होल्डर के अंदर चाहिए तो एल पट्टी की LMB L डॉट की उसकी LMB की दो गट्टियाँ, तो गट्टियाँ डाल दे रहे अपन। तो ये दो गट्टियाँ लगा लेंगे अपन L रॉड के नीचे। तो भाई को फोटो सही नहीं आ रही बोल रहे हैं, तो अपन इधर साइड में आ जा रहे हैं अपन। गोला भी खोले थे तो भी नहीं आ रहा था, तो इधर हट गए हम। आप ठीक है, बेटर है। तो फाइनली दोस्तों हम इस प्रकार से ऐसा लगा लेना। देखिए DTH, ऑल DTH इंफॉर्मेशन ये है कि फिटिंग कैसा क्या है करते हैं उसकी हम सजेस्ट वीडियो बना रहे हैं आपको। सपोर्ट कर दीजिए यार हमारे चैनल को, लाइक नहीं कर रहा है वीडियो, लाइक करने को कमेंट करने को इतनी मेहनत तो ना लग रही भाई। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये हो, ये तो टाइट होगा। अरे फुटमोन जो रहता नीचे गायल है, अजुमुस का फुटमोन फाइनली दोस्तों, उसको साइड में 2 बोल्ट फिर नीचे 2 बोल्ट रहते लगा देना है। लगा के हम आपको वीडियो बता रहे हैं, वीडियो पे बता रहे हैं देखो। इनका घर अलग ही था, तो बिल्डिंग का 2 भी सामने आ गए थे, तो हम आपको उसका वो भी वीडियो बताएंगे आपको। तो कस्टमर यहाँ लगाओ बोले थे, तो हम बोले वहाँ सिग्नल नहीं आता,
तो भाई बोले ऊपर चढ़े बाद देखता हूँ मैं तो वो कोने में लगाना पड़ता, बोले मैं बोला कोने में लगाना पड़ता। तो हम फाइनली ऊपर चढ़ के हम भाई को बता दिए थे, आमने सामने दो बिल्डिंग आए तो नहीं आता, बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो, एक ये समझो टीनों का घर था, उसके सामने आरसीसी का घर था, बस ज़्यादा बहुत खरीब था वो, तो हम वहाँ लगा नहीं सकते, बल्कि पहले ही बोल दिए थे कस्टमर। तो ये LMB होल्डर तो लग रहा है, ये LMB होल्डर तो लग गया साइड में, दो छोटे वाले नट रहते नट बोल्ट स्क्रू। अब LMB निकालना, LMB तो हम निकाले नहीं, बैग में से निकालना है। तो फाइनली दोस्तों हमारा LMB होल्डर टाइट कर रहा है स्क्रू की मदद से स्कूटर, अब बैग में से LMB निकालना है अपने को। तो फाइनली दोस्तों LMB का होल्डर हम टाइट कर रहे हैं, वीडियो पे बने रहिए आप। तो क्या करना है, अपने फुट मोड निकाल कर एंटीना के बाजू को लगा देना है। तो पहले भी आप वीडियो भी देखे चुके आप, हमारा काम ही थे यही थे भाई, इन्फॉर्मेशन देना। DTH ये उन लोगों के स्टे जो DTH का काम करते हैं ना भाई, और जो भी DTH का जो भी काम करते हैं ये वीडियो उनके लिए शेयर करिए। बहुत जल्द हम फाइबर का भी काम, जियो फाइबर का भी सेटअप बताने वाले, बहुत जल्द उसकी ट्रेनिंग चल रही, हम आपको वो भी वीडियो बताएंगे आप। हम इसमें एक लाइव गेम खेले थे, अच्छा वैसे बोर मार रहा था, लेकिन खेले थे यूट्यूब में कनेक्ट कर, लाइव देखेंगे आपको, एक लाइव सेटअप भी बताएंगे आपको, वो भी बिना एडिट के, वो भी लाइव लाइव आऊँगा मैं, बहुत जल्द आऊँगा लाइव में, आपको पूरा डिश का सेटअप बताऊँगा। तो ये LMB का अपना LMB निकालना भूल गया मैं, ये स्टैंड लगाए बाद बता दूँगा आपको। उसमें पट्टियों में लेफ्ट और राइट रहता, देखो LRR बोलते रहता, उसके हिसाब से अपन लगा ले सकते। तो फाइनली दोस्तों नीचे का फुटबॉल लगा रहे हम, फुटबॉल लगाए तो क्या है वो, तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता अपना। फिर फाइनली बारी आती ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उनके लिए जो DTH का काम करते। बैग में से हम LMB और एस्केप की पैकेट निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, तो फाइनली हमारी LMB तो लग गई, लग रही है। ये स्कूटर ले लेके हम काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइट कर देना है, कई को तो ऊपर चढ़ गए, जब टाइट कर देना अपन सिग्नल सेट हो गया बाद जब LMB टाइट कर देना। तो फाइनली अपन ऊपर जाना है, कस्टमर को बोले स्टॉप कर दो वीडियो। ये देख लीजिए इनका आजू बाजू बिल्डिंग है, देखिए कि छोटी प्लस है इनकी, यहाँ लगा हुआ थे ना दीवार फोकल थी वो, अरे ये बड़ा बिल्डिंग है तो नहीं लगा सकते बोले हम, तो बाजू में था ऑप्शन था लगाने का, यहाँ पे सेट कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे सामने सिग्नल खुल रहा है, इस तरफ सिग्नल था जहाँ हम हाथ बताए। चलिए फिर अपन स्टार्ट करेंगे सेटअप अपना, और फ़ोन को हम वहाँ लग देंगे स्टैंड पे। वहाँ पे भी लगा हुआ बोले थे कस्टमर तो नहीं आ रहा था, हम नहीं आता बोले, बिल्डिंग ये बड़ी रहने से नहीं आता।
तो हम यहाँ सेट कर रहे हैं फ़ोन को, यहाँ हम यहाँ सेट कर दिए। तो फाइनली दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, मार्कर की मदद से तो पीछे दो फुटबॉल के दो होल डाल रहे हैं, होल डाल के पहले इससे शुरुआत करके फाइनली करेंगे अपन काम। तो वीडियो पे बने रहिए। तो ड्रिल मशीन निकाल लेके अपन पलक लगा ले रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बोलिए, जरा चैनल पे हमारे को ज़रा सपोर्ट करिए हमारे चैनल, क्योंकि खासकर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है हमारे लिए। हमारे दोस्त साहब है, हमारे एक्टर साहब, उन्होंने भी ज़रा बिजी है बंदा हमारा, जिगरी दोस्त है हमारे एक्टर साहब, फोन नहीं करते कुछ भी नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम दो होल मार रहे हैं, अल्लाह खैर करे हमारे एक्टर साहब को, शादी हो गई जब से बदल गए भाई साहब, पूछ रहे नहीं, फ़ोन कर रहे नहीं, नहीं तो फ़ोन तो ऐसा आता था डेली, जान दो अब जिसकी जैसी मर्जी। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये क्या कर रहे हैं, फुटबॉल लगा चकनेट लगा लेके एस्केट फाड़ देंगे अपन। तो फाइनली दोस्तों हम दो होल मार दिए घंटियाँ लगा के, ड्रिल मशीन से बोल्टा टाइट करने का है। थोड़ा वीडियो पे बने रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बोलिए ज़रूर, और हमारे इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर रहे हैं भाई। तो फाइनली दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, वो तो घटियाँ लगा दिए अंदर फिट कर दिए, और स्टैंड लगा के दो बोल्टा फिट कर देंगे, दो बोल्टों से ड्रिल मशीन से टाइट करने का। आप वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों ड्रिल मशीन ले लेके हम दो बोल्टा टाइट कर दिए। और हमारा ये तो हो गया। अब एक साइड क्या कर रहे हैं, एक साइड पट्टी हम नीचे डाल रहे हैं, एक साइड पट्टी साइड में मार के बेंड करके हथौड़ी की मदद से एक साइड बेंड कर दिए हम, और एक साइड एक ऊपर पट्टी लगा रहे हैं। क्या हुआ तो दीवार थोड़ा छोटा रहने से मुद्दू तो ऐसा मारना पड़ता, एक साइड में मार दिया मारकर। तो ड्रिल मशीन से ले लेके अपन होल मार देंगे। तो फोन पर ज़्यादा हो गया शायद नहीं दोस्तों, कमेंट में बोलिए, पकड़ने वाले कोई नहीं थे तो हम स्टैंड फ़ोन का स्टैंड ले लेके स्टैंड को फोन पे कोने पर सेट कर दिए हम। तो ये फाइनली दोस्तों हमारा एक ऊपर का तो होल हो गया, एक साइड में होल हो रहा, वीडियो पे बने रहिए। ये साइड में इस वजह से रहता है कभी टाइट अच्छी फिटिंग होती है। तो ये दो बोल्ट फिट हो गए हमारे। अब दो बोल्ट लेकर टाइट कर देना है, तो फाइनली हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो जाता, मतलब ख़त्म मतलब सिग्नल का रहता बाकी बस। तो चकनट लगा के हम बोल्ट टाइट कर रहे हैं। DTH टेक्निकल को फॉलो लाइक और शेयर का कमेंट करना ना भूलिए। अभी DD Fridge की तो न्यू अपग्रेड तो अभी नहीं आई, इंशाल्लाह उसकी भी न्यूज़ डालेंगे आपके वास्ते, क्या क्या सबसे अच्छी न्यूज़ आपके लिए हम लेके आएंगे DD Fridge के तरफ से रिलेटेड। तो फाइनली दोस्तों ये तो हमारा एक साइड में बोल्टा टाइट कर रहे हैं, बोल्टा टाइट करिए तो काम ही खत्म हो जाता। तो ये फाइनली दोस्तों ये हो गया काम।
कितना टाइट करना पड़ रहा जी भाई। तो ये एंटीना ले लेंगे हाथ में अपन, इसके ऊपर क्लैंप पे स्टैंड के ऊपर लगा के बोल्टा टाइट करना है। अभी आ रही है दो बोल्टा टाइट करने का है। तो हमारा मीटर ले लेके सिग्नल सेट करना है दोस्तों। स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दे रहे हम थोड़ा बहुत, क्या उससे कर लेते बैठेंगे बोल के। जियो फाइबर की वो भी आपको इंसुलेशन सेटअप बताऊंगा आपको बहुत जल्द वीडियो में लेके आऊंगा, जियो फाइबर इंसुलेशन सेटिंग। सुने भाई, अगर आपको उसकी भी फिटिंग देखना है तो आप कमेंट में बोलिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाएंगे आप। तो सर्विस केबल और मीटर और 12 वाट का एडाप्टर निकाल लेके पावर दे देंगे, सर्विस केबल से पावर दे देगा ये LMB पे। फाइनली हम लगा देंगे सर्विस केबल से, सिग्नल ट्रैक करना है अपने को फाइनली। बस अब कुछ भी नहीं है भाई काम, खाली सिग्नल ट्रैक करना है बस। गर्मी तो खाली मई बोल रही भाई, अब गर्मी कभी बारिश हो रही तो दूसरे दिन गर्मी बहुत बढ़ जा रही। तो हमारा सिग्नल पिकिंग हो रहा आप खाली इस प्रकार से आपको ऐसा सिग्नल सेट करना है दोस्तों। तो थोड़ा हम खड़के देख रहे थे, बैठ बैठ के पैरान दर्द हो सके। थोड़ा ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी सिग्नल मिलने में। तो फाइनली दोस्तों हमारा सिग्नल तो रिसीव हो गया। टी पानी के मजे से हम तीन बोल्टा टाइट कर दिए, कहाँ उससे कर लेते बैठेंगे बोल के। तो फाइनली लास्ट बोल्ट था ऊपर का, और एजुमत का एक बोल्ट नट दो साइड के रहते हैं वो टाइट करना है फाइनली। ये हमारा काम तो फिनिश होगा। अब थोड़ी बारी आती सिग्नल, थोड़ा लाइट बढ़ गया बोले तो, थोड़ा बढ़ गया था हमारा सिग्नल। तो ऐसा फिट करे बस, थोड़ा देख लेना अपन भी। वीडियो शेयर करिए उन टेक्नीशियन को जो काम सीखना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह जियो फाइबर की भी हम आपकी इंस्टॉलेशन सेटिंग बताएंगे आपको बहुत जल्द बताएंगे। हम आपको वो भी बताते हैं सिग्नल परसेंटेज कितना रखे क्या है। ये ऑलिवन मीटर है, इसमें क्या है वो तो बस 70 लास्ट आता सिग्नल, ऐसा नहीं है कि 70 सिग्नल रखे बोल के, नहीं 70 आया तो 87-90% आता सिग्नल, 70 बता रहा था उसमें क्वालिटी में। तो हमारे मीटर में खाली 70 बताता, उससे ज़्यादा आगे नहीं बताता। तो आप समझना नहीं ऐसा 70 सिग्नल क्वालिटी रखे बोल के, ऐसा नहीं रहता। 70 या मीटर में बताया तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती नीचे। ये देखिए आज फाइनल केबल है, देखिए ये कॉपर तय रहना, देख 2.mm का रहना देख कनेक्टर में, कभी भी याद देख लीजिए। हमारा फाइनली डिजिटल फिट हो गया और सर्विस के वो लुक रहता है, और मार्कर LMB पे और साइड में है देखिए। तो फाइनली हम टीवी के नीचे चलते हैं अपन। तो फाइनली हमारी टीवी ऑन हो गई,
और रिमोट से लेके HDMI पे लेके सोर्स दबा के HDMI बंद। थोड़ा उनका टीवी हैंग हो रहा था, एक करे तो एक हट रहा था। ये सैमसंग के टीवी हैंग ही छोटे भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो फाइनली हमारी ऑन हो गई और सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी देख लीजिए। हम आपको बताए थे मीटर में कितना बता रहा था, आप इसमें देख लीजिए आप। अरे हम तो मीटर का फोटो तो नहीं बताया आपको, एक सेकंड रुक जाइए, वो भी बताएंगे आपको। ये हम सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, ये देख लीजिए हमारा बॉक्स सॉफ्टवेयर ले लिया। और लास्ट में बताएंगे आपको, मीटर का फोटो तो वीडियो तो नहीं आया, लास्ट में बता देंगे हम आपको सिग्नल परसेंटेज कितना रखे। थोड़ा हम डाउनलोड हो रहा तो पूरा स्टार्टिंग से नहीं बताए, थोड़ा स्किप कर दिए थे वीडियो। और हम आपको मीटर का फोटो बताने वाले और चैनल हम लगा के हम आपको बताएंगे आपको एक्टिवेशन। ये वॉल्यूम सेटिंग रहती, देखिए वॉल्यूम सेटिंग कभी भी याद रख लें, एकदम टीवी बंद करके जब खोलते ना तो वॉल्यूम नहीं फेंकता एकदम, तो इसको कर दिया तो जितना आप एक पॉइंट पे रख रहे थे एक पॉइंट पे वॉल्यूम रहता आपका सेटअप। तो ये हमारा ये हो गया, देखिए 100 चैनल चल रहा हमारा। और स्टैंड बता रहे, देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ऑन शेयर। तो हमारे स्टार प्लस चालू हो गया, देखिए डिश एंटीना एक्टिवेट होगा हमारा, ये देख सकते हैं आप। स्टार प्लस लगा के बताया मैं आपको। और एक देखिए हम चैनल लगा रहे हैं, स्टार गोल्ड लगा दिए। तकरीबन चैनल हमारे चालू हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ऑन शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बोलिए ज़रूर, ताकि आपकी सबसे अच्छी नोटिफिकेशन करंट में लेके आते हैं मेरे भाई। आपके वास्ते हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, आप है तो सोब है मेरे भाई। प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।